तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों भाई, आज अपने हाथ में ये फोन है, मस्त लेजेंडरी कह सकते हो, आईफोन एक्सेस मैक्स नहीं है, एक्सेस है। इसके अंदर A12 की बायोनिक चिप आती है और एक चीज दिखाऊं, इसके अंदर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो अपना iOS 17 है। तो इसके अंदर भी iOS 17 का लेटेस्ट अपडेट आ गया था भाई। और यहाँ पर आज है ना, हम लोग इस फोन का ये चेक करेंगे कि ये फोन एक्सेस गेमिंग में कैसा है वो पता करेंगे, क्योंकि ये फोन भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने जो इसे प्राइस में लाइक रिफर्बिश में बाय किया था, उसकी डिटेल वगैरह ना आपको ऐसे एक प्रॉपर वीडियो में दूंगा, इसमें नहीं है। अपना मेन चैनल टेकी पाठशाला पर, तो वहां जाके चेक कर लेना। बट आज इसकी गेमिंग को लेकर बात करते हैं। और जो प्राइसिंग मैंने पे करी है इसके लिए, 23,000 के आसपास कुछ समवेयर मैंने पे किया था। और ये फोन मेरे पास आज से नहीं है, ऑलमोस्ट 6 महीने के ऊपर हो चुका है ये डिवाइस मेरे पास है। तो अभी इसके अंदर ये चेक करेंगे कि गेमिंग कैसा है, ठीक है, फाइनल घुसते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफिक सेटिंग्स है भाई, सिंपल मैक्स आप 60 FPS में ही गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि 90 नहीं मिलेगा, डिस्प्ले 60Hz का है। मतलब मैं एक बात बोलूंगा, ये जो पुराने आईफोन है ना, ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं अपने नए वाले 15 सीरीज वगैरह जो भी पकड़ लो, उनसे ज्यादा प्रीमियम लगते हैं देखने में। मतलब आप खुद बताओ है कि नहीं, जरा बताना देख, मतलब बहुत सही लग रहा है, इतना समझ लो। तो हम लोग यहाँ पर सारा टेस्टिंग करेंगे, ओवरऑल गेमिंग कैसा इसका। तो सबसे पहले TDM की बात करते हैं। तो ये फोन है ना, आराम से TDM पर 60 FPS की गेमिंग करवा देता है, ऐसा कोई मेजर ऐसा लैग वगैरह नहीं है, 58-60 के आसपास घूमते रहते हैं FPS। तो अगर आप इसके अंदर समझ लो ना समवेयर, मतलब आधा घंटा एक घंटा अगर ऐसे TDM वगैरह खेल लेते हो, एक घंटा तो कोई TDM खेलेगा नहीं, बट हाफ एन आवर खेल लेते हो तो आपको फोन अच्छा लगेगा, कोई इशू नहीं आएगा। मतलब आराम से इवन एक घंटे भी अगर आप आराम से खेल सकते हो इसके अंदर TDM को लेकर। अभी TDM का पहले गेम प्ले देख लो, FPS चेक कर लोगे तो आपको खुद बेटर आइडिया आ जाएगा कि फोन कहां पर कैसा निकल के देगा। तो TDM का गेम प्ले एज ऑफ नाउ इतना समझ लो, ये फोन आराम से 60 FPS के आसपास वाली गेमिंग करवा देगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अच्छे से मजे में कर सकते हो। एक चीज मुझे ना आप लोग बताना कि आईफोन एक्सेस आप में से कितने लोगों के पास अभी है, या फिर आईफोन XR है, या फिर कौन सा फोन है, एक बार कमेंट करके बता सकते हो, तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इतने लोग अभी भी स्टिल ऐसे फोन पे गेमिंग कर रहे हैं या नहीं, जो भी है मतलब कमेंट करके बता देना। और ऐसी इंटरेस्टिंग टेस्टिंग वगैरह पसंद आती है ना आप लोगों को, तो भाई मस्त में सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो मस्त में ऐसा नेक्स्ट टाइम वीडियो आएगी तो पता चल जाएगा, लाइक करोगे तो मजा और आ जाएगा, कमेंट कर दोगे तो और मजा आ जाएगा। तो सारी चीजें कर देना, ठीक है, एल्गोरिथम मस्त बूस्ट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है पता नहीं, बट बस कर देना ताकि ऐसा कनेक्शन फील होता रहे। अब अगर बात करें इरांगल को लेकर, तो मेरा इरांगल पे एक कहना ये है कि वहां पर जैसे हम लोग डिप करते हैं ना, तो ये मैंने जो लोवेस्ट FPS कभी इसके अंदर जो नोटिस करें इस डिवाइस में, वो समवेयर कुछ 55 के आसपास आए थे, बट उसके नीचे जाते हुए देखा नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतनी स्टेबल गेमिंग इतना पुराना डिवाइस आज भी करवा के दे रहा है, वो बहुत अच्छा लगा। तो एक काम कर लेते हैं, आप पूरा गेम प्ले देखो कि कैसा क्या कहां पर कैसे स्टेबिलिटी रख रहा है, फिर उसके बाद में कंक्लूजन दूंगा जो बहुत काम का है। तो देखो इस फोन का मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आप इसमें ना कंटिन्यूस गेमिंग करते रहते हो, समझ लो एक घंटे के ऊपर हो चुका है, तो उस एक घंटे में आपको ये फील होगा कि ये फोन बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा इसका बॉडी मतलब गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा। इवन जो गेम खेलते खेलते टाइम इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी कम हो जाती है। तो जो मेरा टीममेट इसे यूज कर रहे हैं देवांश, वो है ना इस फोन को उसका प्राइमरी फोन बना के रखा हुआ है उसने, और उसके लिए ना एक आईक्यू का कूलर आता है, वो लगा के इस पे गेमिंग करता है। मतलब यहां पर मैंने वो करी नहीं है, बट उस पे वो लगा के गेमिंग करता है, तब ये फोन मस्त और ठंडा रहता है, इतना समझो। तो टेम्परेचर बहुत गेन होता है, ब्राइटनेस डिप भी होती है, इतना समझो। ओवरऑल TDM पे तो अच्छा ही था, इरांगल पर भी मैंने जितना सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकालेगा, बट डेफिनेटली इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाली है, जो देख के मैं तो शॉक हुआ, मुझे तो मजा आया देख के। अभी हम लोग शैनॉक मैप पे जाते हैं, और इवन हैवी रश वगैरह भी किया है हम लोग ने सब जगह। तो शैनॉक मैप पे देखोगे ना आपको गेम प्ले पे, तो डिप होते टाइम मतलब जब लैंड होते टाइम थोड़ा बहुत FPS फ्लक्चुएशन होता है, बट ओवरऑल वहां पर भी स्टेबिलिटी काफी अच्छे से निकाल के दे देता है। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर से बोल रहा हूं, कि इतनी अच्छी गेमिंग ये डिवाइस करवा देगा। और स्टिल इसके अंदर पता नहीं क्या तो बज रहा है, अंदर कैमरा बजता है बट इतना नहीं बजता जितना ये बज रहा है। थोड़ा सा टेंशन हो रहा है सोच के, कहीं कहीं पार्ट पुर्जा ढीला ना हो गया हो। तो ये फोन ओवरऑल आप गेम प्ले देखो, और उसके बाद एक फाइनल वर्डिक्ट बताता हूं कि ये फोन कहां पर कैसे स्टैंड आउट करता है।
तो फाइनल वर्डिक्ट में देखो यहाँ पर ये है आईफोन एक्सेस। भाई मैंने 22-23 हज़ार में जो रिफर्बिश बाय किया है उसके अंदर एकदम मस्त तबाही परफॉर्मेंस निकाल रहा है, और मैंने सोचा नहीं था कि यार इतना अच्छा है परफॉर्मेंस निकाल के देगा। ओवरऑल हर एक सिनारियो में अच्छे से FPS है, सिर्फ 55 तक कभी कभार बीच में FPS पे आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत डिप होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता। इवन अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो फ्लक्चुएशन भी थोड़े ज्यादा देखने मिल सकते हैं आप लोगों को। सो एट दी एंड ये फोन आराम से गेमिंग करने लायक है, बट आपको मैं सजेशन दूं या ना दूं वो आपके ऊपर है, आप कितना चीजें सोच रहे हो, किस प्राइस में सोच रहे हो। अब जैसे प्राइस में मैंने खरीदा है वहां पर तो मुझे डील तो अच्छी मिली थी, बट जरूरी नहीं है कि उस प्राइसिंग में आप लोगों को वो चीज अच्छी लग सके, क्योंकि आपको ऐसा ऑलमोस्ट मार्केट में कोई एंड्रॉइड फोन आ जाएगा जो अच्छी गेमिंग और स्टेबिलिटी के साथ में निकाल के देगा, बैटरी वगैरह भी अच्छी होगी, टेम्परेचर भी ज्यादा गेन ना करेगा। लेकिन अगर जिसको आईफोन लेना है तो उन लोगों के लिए बात अलग होगी। सो एट दी एंड यहाँ पर ये फोन मस्त गेमिंग करवा रहा था जो रिव्यू मैंने आपको दिया है। बाकी इसका फुल ऐसा क्या स्टोरी है, क्या है, सब कुछ है, वो जानने के लिए आपको इस वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा, वहां सारी चीज आपको पता चल जाएगी। और आप में से कौन अभी भी फोन यूज कर रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। नेक्स्ट कौन सा फोन का गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हो कमेंट करके वो भी बता सकते हो। बाकी लाइक कर देना, 3000 लाइक का टारगेट है, फटाफट टच करवा देना। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।